हेलो गाइस, पैलगुनी थी बड़ी न्यूज। तो गाइस आज हम बात करेंगे सैन डिएगो कॉमिक कॉन से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में। तो आज की तारीख है 18 और आज के दिन से स्टार्ट हो चुका है सैन डिएगो कॉमिक कॉन इंटरनेशनल। और इस सैन डिएगो कॉमिक कॉन में हम मार्वल डीसी फैंस की जेब में खुशियां भरने वाली है, क्योंकि इसी इवेंट में हमें काफी अच्छे अच्छे अपडेट मिलने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात मार्वल फैंस के लिए, मार्वल फेज 4 जो कि इसी सैन डिएगो कॉमिक कॉन में रिवील्ड होगा और काफी सारे अपडेट भी पता चलेंगे। तो वीडियो में मार्वल डीसी से रिलेटिव अपडेट भी हैं, हॉलीवुड से रिलेटिव अपडेट भी हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि अपडेट्स काफी ज्यादा कमाल के हैं। तो सबसे पहले सैन डिएगो कॉमिक कॉन की जो झलक दिखाई देखने को मिली वो थी डीसी शज़ैम की। तो ये कुछ ऐड करने का तरीका है शज़ैम डीसी यूनिवर्स का कि यहाँ पर उन्होंने उनका स्टैचू लगा रखा है, तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। उसके बाद स्टार्टिंग में सबसे पहले हमें देखने को मिली आईटी चैप्टर की पूरी कास्ट। आईटी का हमें ट्रेलर भी देखने को मिलने वाला है, थोड़ा सा वेट करिए आज के दिन के लिए। और देन पूरी कास्ट देखने को मिली, आईटी से रिलेटेड काफी ज्यादा अपडेट भी थे, पर मेरा चैनल सिर्फ मार्वल डीसी से रिलेटेड है तो मैं ज्यादा अपडेट नहीं बताऊंगा। बस इसका ट्रेलर आ रहा है तो ट्रेलर के लिए थोड़ा वेट करिएगा। उसी के साथ नया मार्वल प्रोजेक्ट गेम लॉन्च हुआ था जिसमें कि एवेंजर की जो कास्ट थी, जो गेम था, उसकी ऑफिशियली कॉस्ट्यूम सैन डिएगो कॉमिक कॉन में रखे गए हैं, जिसमें कि ब्लैक विडो, प्रोफेसर हल्क यानी कि हमारे ब्रूस बैनर, उसके बाद थॉर, फिर आयरन मैन और उसके बाद कैप्टन अमेरिका। इसमें हॉकाई का कैरेक्टर नहीं है और गेम में भी हॉकाई का कैरेक्टर है पर ट्रेलर में नहीं दिखाया, तो इसलिए उसे रिवील नहीं करा गया सैन डिएगो कॉमिक कॉन में। और देन इस गेम का पूरा लाइव सेक्शन होगा सैन डिएगो कॉमिक कॉन में, बस उसका टाइम और डेट रिवील हो चुकी है। तो आप उनके ऑफिशियली चैनल को फॉलो कर लीजिए मार्वल एंटरटेनमेंट, और उनके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, जिससे कि आपको उनका टाइम और डेट पता चल जाएगा। और देन उनका लाइव भी दिखाया जाएगा गेम का, तो काफ़ी ज़्यादा मज़े आने वाले हैं क्योंकि हमने इसका अभी तक गेम प्ले नहीं देखा है। तो सैन डिएगो कॉमिक कॉन में इसका गेम प्ले भी देखने को मिलेगा। उसी के साथ सैन डिएगो कॉमिक कॉन में आयरन मैन का लीगो और कह सकते हो आप पूरा एक स्ट्रक्चर बनाया गया, काफ़ी ज़्यादा अच्छा कमाल का लग रहा है, जो कि रॉबर्ट डॉनी जूनियर ने अपने अकाउंट पे भी अपलोड करा था। उसी के साथ कुछ इमेजेस आई हैं जोकर मूवीज़ की, ऑफिशियली स्टिल इमेजेस जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, जिसमें जोकर नाचता हुआ थोड़ा सीरियस टाइप का दिख रहा है, फिर एक बस के मूवमेंट में वो काफ़ी ज़्यादा हंस रहा है, और देन तरह तरीके की इमेजेस हैं। तो ये सारी इमेजेस काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा अगर आपको और भी ज़्यादा अपडेट जानने हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे अपडेट इंक्लूडिंग नहीं करे हैं, तो आप मेरे सोशल मीडिया लिंक्स को फॉलो करिए और मेरे को फॉलो करें, जिससे कि आपको सारे अपडेट पहले ही पता चल जाए मेरी वीडियो बनाने से पहले। उसी के साथ अगला अपडेट है काफ़ी ज़्यादा कमाल का। अगर आप डीसी टीवी यूनिवर्स को देखते हो तो आपके लिए खुशखबरी है, तो काफ़ी सारे फर्स्ट लुक लॉन्च हुए हैं, जिसमें कि एरो है, बैट मूवमैन है, सुपर गर्ल है, फ्लैश है, और देन काफ़ी सारे अपडेट आए हैं, जिसमें कि इंटरटेनमेंट वीकली ने ऑफिशियली सबके कवर पेज लॉन्च करें, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। और देन सबसे बड़ी बात, अगर आपको ये चाहिए कलेक्शन के लिए, तो ये फुल HD में आपको मेरे ट्विटर अकाउंट से मिल जाएंगे। अब ट्विटर अकाउंट पे क्यों मिल जाएंगे, क्योंकि ट्विटर अकाउंट पे कभी क्वालिटी लो नहीं होती है। आप इंस्टाग्राम पे क्वालिटी लो हो जाती है, फेसबुक पे हो जाती है, पर ट्विटर अकाउंट पे कभी क्वालिटी लो नहीं होती है। तो आप चाहो तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और काफ़ी ज़्यादा फुल HD में है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा अगर आपको चाहिए तो आप जाके ले सकते हो। और देन इसमें फ्लैश, सुपर गर्ल, एरो का और बैट मूवमेंट के सारे लुक काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि फ्लैश का सीजन तो काफ़ी ज़्यादा हिट भी गया था, तो लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करा, और उसका जो नया लुक है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और देन इसके और भी नए नए सीन हमें देखने को मिलेंगे सैन डिएगो कॉमिक कॉन में। तो आज से तो स्टार्टिंग हुई है और देखते हैं कि अभी एक आध दो रह गए हैं और हमें क्या क्या देखने को मिलता है, क्योंकि हर एक यूनिवर्स को 90 मिनट दिए जा रहे हैं, जिसमें कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को भी 90 मिनट दिए जाएंगे 3 दिन तक, जिसमें कि वो मार्वल फेज 4 एक एक करके लॉन्च करेंगे। और देन बात करें अब डीसी एरोवर्स की, तो वो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और उसके और भी सारी इमेजेस हैं जो कि मैंने अपनी वीडियो में इंक्लूडिंग नहीं करी हैं, तो आप जाके चेक कर सकते हो। और देन उसी के साथ बैट मूवमैन, जिसका ट्रेलर लोगों ने पसंद नहीं करा था, फिर भी लुक के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और देन मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अगर ये हिंदी में लॉन्च होती है तो इसका भी मैं अपडेट देना चाहूँगा और इसे देखना ज़रूर। और देन एरोवर्स तो सभी को पसंद आता है, जिसमें कि पूरी एक साथ कास्ट मिलकर काम करती है, लाइक एवेंजर असेंबल। तो देन अब बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल का है, और देन वो है डीसी से रिलेटिव। तो वो अपडेट आपको खुश कर देगा। शज़ैम के जो स्टार हैं उन्होंने रिवील्ड करा है कि वो फ्यूचर में वंडर वूमेन, एक्वामैन, बैटमैन के साथ एक टीम अप मूवी बनाना चाहते हैं, जो कि जस्ट लाइक जस्ट लीग 2 पार्ट हो सकती है। उन्होंने बस ऐसा थीसिस दिया है, और देन काफ़ी अच्छी बात है कि हमें फ्यूचर में शज़ैम और इन सब के साथ देखने को मिलेगा। उसके साथ हमारी डेडपूल 2 के जो डायरेक्टर हैं उनके दिमाग में बहुत अच्छा आइडिया है फॉक्स और डिज्नी की डील के बाद भी, कि वो उसे कैसे एंटर करेंगे। और देन अगला अपडेट एक और काफ़ी कमाल का, वॉर मशीन की टीवी सीरीज आ सकती है, और डिज्नी ने सोच रखा है कि इसके ऊपर भी वो टीवी सीरीज बनाएंगे, जो कि डिज्नी प्लस पे आएगी।
उसी के साथ अगला अपडेट है काफी कमाल का टर्मिनेटर से रिलेटिव। तो टर्मिनेटर के ऑफिशियली फर्स्ट लुक नजर आए हैं जो कि काफी अच्छे लग रहे हैं और ये भी सैन डिएगो कॉमिक कॉन में रिलीज हुए हैं और इसका एक मैगजीन कवर भी है जिसमें कि हमारा रोनाल्डो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो देन ये मूवी काफी ज्यादा अच्छी जाने वाली है, मेरे को तो उम्मीद है कि ये मूवी सुपरहिट दिया जाए। और देन काफी बड़े लेवल की मूवी, प्रोडक्शन की मूवी है तो मजा आने वाला है। और देन अगला अपडेट है डीसी यूनिवर्स का एक और, तो फाइनली बैटमैन की मूवी की शूटिंग लंदन में होने वाली है और जल्दी से जल्दी हमें इसकी सेट फुटेज देखने को मिलेंगी। तो उम्मीद करते हैं क्या क्या हमें देखने को नया मिलता है। उसी के साथ डार्क फोनिक्स का ऑफिशियली 4K का कवर लॉन्च हो चुका है जो कि कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। और एक और अपडेट है काफी कमाल का बैटमैन से रिलेटिव, तो निकी मिनाज का एक रूमर आया है, बहुत ही कर रहा है। निकी मिनाज एक इंटरनेशनल सिंगर हैं, पॉप स्टार हैं, वो प्ले कर सकती हैं कैट गर्ल, जी हाँ कैट वूमेन जस्ट लाइक। पर इससे रिलेटिव एक और रूमर आया था कैट गर्ल का कि वो प्ले करेंगी वेनेसा जो कि हव एंड सो मूवी में आ रही हैं। और उसी के साथ एक और अपडेट है काफी कमाल का, डे बटिस्टा यानी उन्होंने ये बोला है कि उनकी विश थी कि थैनोस को वो मारे पर मूवी की स्क्रिप्ट और कुछ थी, सभी को पता है। तो ऐसा अगर होता तो शायद इतना ज्यादा मजा नहीं आता। इंटरनल अनाउंस करी जाएगी परसों के दिन, तो इंतजार करिएगा इंटरनल्स का अपडेट का और मेरे सोशल मीडिया लिंक्स को फॉलो कर लीजिए जिससे कि आपको सारे अपडेट पता चल जाए। और देन थॉर 4 कंफर्म हो चुकी है, तो ये बात लीक हो चुकी थी, सभी को पता चल चुकी है, पर फिर भी ये सैन डिएगो कॉमिक कॉन में अनाउंस करी जाएगी, वेट करो उसका भी। देन डेन जॉनसन ने कंफर्म करा है कि वो इन फ्यूचर से सुपरमैन मूवी में भी देखने को मिल सकते हैं उससे भिड़ते हुए, और वो सुपरमैन ब्लैक हो सकता है, जी हाँ। और देन एक और बिहाइंड द सीन इमेज फ्लैश की आई है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, और ये जस्टिस लीग पार्ट 1 की है जिसमें कि फ्लैश काम कर रहा है वो ही अपनी सुपर इंटेलिजेंट दिमाग से, तो ये सीन तो था नहीं फिर भी दिखा दिया। और रिलीजिंग जेंडर कट जो कि जस्टिस लीग के हैं, और देन प्रमोशन काफ़ी अच्छी तरीके से चल रहा है और ये भी हमें सैन डिएगो कॉमिक कॉन में देखने को मिलेंगे। देन उसी के साथ डैश स्ट्रोक की एक इमेज सामने आई है जो कि उनकी कास्ट स्टार जॉन मैंगलोर ने डाली है अपने ऑफिशियली इंस्टाग्राम पर। और देन एक और अपडेट काफी कमाल का, स्पाइडरमैन 3 में देखने को मिल सकता है केविन द हंटर जो कि एक वकांडा वासी होगा जो कि ब्लैक पैंथर की पावर लेकर स्पाइडरमैन के पीछे पड़ जाएगा, कुछ इस तरीके से प्लॉट नजर आया है। एक फैन थ्योरी के होते हुए पता चला है कि जैक जो कि मिस्टीरियो को रोल प्ले करती है वो एक स्कल्स थे। अब देन फैन थ्योरी है, कोई ऑफिशियल कन्फर्म नहीं है। देन राजेश खत्तर आवाज दे रहे हैं हॉफ इन शो के विलेन के बारे जो कि काफी ज्यादा अच्छी आवाज है, और इनका ऑफिशियल टीजर भी लॉन्च हो चुका है, आप जाके चेक कर सकते हो। सजाम एक्टर स्टार ने थोड़ा सा रिवील्ड करा है कि वो इन फ्यूचर सजाम 2, 3 और ब्लैक एडम 1 और ब्लैक एडम 2 में काम करेंगे। इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो भी बनाने वाला हूँ। और हमारे कैप्टन अमेरिका यानी क्रिस इवांस की अपकमिंग नई मूवी रेड सी जो कि काफी ज्यादा कमाल की है, ये नेटफ्लिक्स की है, ट्रेलर लॉन्च हो चुका है, आप जाके देख सकते हो। और देन गाइस आपके लिए एक और खुशखबरी है, अगर आप मार्वल फैंस हो तो मेरे यूट्यूब कम्युनिटी टैब में जाइए, आपको आईमैक्स 1080 पिक्सल में सारी मूवी मार्वल की फेज 3 तक देखने को मिल जाएंगी। फुल HD लिंक है आईमैक्स में, जाके देखो और डाउनलोड करो। तो गाइस कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पे देख रहे हो पेज को लाइक करें। रियल में आपको जो वीडियो पसंद आता तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नए देख रहे हो या तो उस पर थैनोस उसके हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूँ।